नमस्कार, काशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी से, जहां पटना में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज तीन कल शाम से आंसर की अपलोड होने वाले हैं। सबसे पहले क्लास एक से पांच तक का आंसर की अपलोड होगा। आयोग की वेबसाइट पर आंसर्स अभ्यर्थी देख सकेंगे। रिजल्ट के प्रकाशन में अभी देरी होगी। जुलाई में ही शिक्षक भर्ती परीक्षा खत्म हुई है। तो रिजल्ट के प्रकाशन में अभी देरी होगी। पटना से बड़ी जानकारी, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज तीन कल शाम से आंसर की अपलोड होने वाला है। सबसे पहले क्लास एक से पांच तक का आंसर की अपलोड होगा। आयोग की वेबसाइट पर आंसर की अभ्यर्थी जो है वो देख सकेंगे। और रिजल्ट के प्रकाशन में फिलहाल देरी होगी, वक्त लगेगा। जुलाई में ही शिक्षक भर्ती परीक्षा खत्म हुई है। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज तीन का कल आंसर की अपलोड होने वाला है। प्रीतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए। देखिए प्रीतम, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज तीन का कल शाम से आंसर की अपलोड होने वाला है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल शिखा, आपने सही कहा। हम लोगों ने सबसे पहले और सटीक जानकारी दी है। जो आयोग की जो अधिकारी होती है उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत का निचोड़ यही है कि कल शाम से आंसर की अपलोड होना शुरू होगा। सबसे पहले क्लास एक से पांच, फिर छह से आठ, नौ से दस और फिर ग्यारह बारह का रिजल्ट अपलोड होगा। लेकिन आयोग ने जो काफी दिनों से इस बात को लेकर अफवाहें चल रही थी, लेकिन अब जो पक्की जानकारी आई है कि वो आंसर की अपलोड कल से शुरू होगा, लेकिन रिजल्ट में अभी देरी है। रिजल्ट में कम से कम अभ्यर्थियों को अभी तीन हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। जुलाई 2024 में परीक्षा हुई थी, 21 तारीख को परीक्षा खत्म हुई थी और अब जाके आंसर की कल अपलोड होगी और उसका फिर अगले से तीन से चार दिनों में बारी बारी से सभी कैटेगरी, यानी चारों कैटेगरी, क्लास एक से पांच, छह से आठ, नौ से दस और ग्यारह से बारह सभी कैटेगरी के आंसर की अपलोड हो जाएगी। बिल्कुल प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।